कनाडा के साथ खालिस्तान के मामले में पैदा हुए तनाव के बीच अब भारत ने एक और बड़ा एक्शन लिया है। कनाडा के नागरिकों के लिए भारत ने वीजा सेवाओं को बंद कर दिया है। अब तक इस बारे में कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन कनाडा में वीजा केंद्रों को संचालन करने वाले BLS इंटरनेशनल ने अपनी वेबसाइट पर इसकी जानकारी दी है। इस नोटिस में लिखा गया है कि भारतीय मिशन की तरफ से महत्वपूर्ण सूचना, ऑपरेशनल कारणों से भारत के वीजा सेवाएं 21 सितंबर से अगली सूचना तक रहेगी। और भारत के एक वरिष्ठ राजनयिक ने इस बात की पुष्टि भी की है, हालांकि उन्होंने इस बारे में विस्तार से जानकारी देने से इनकार कर दिया और कहा कि नोटिस में सारी बात साफ तौर पर कही गई है। आपको बता दें कि कोरोना काल के बाद ये पहला मौका है जब भारत ने किसी भी देश के नागरिकों के लिए वीजा सेवाओं को बंद कर दिया है। ये जानकारी बुधवार देर रात को सामने आई थी। इससे पहले भारतीय विदेश मंत्रालय ने बुधवार को एडवाइजरी जारी की थी कि कनाडा जाने वाले लोग सावधानी रखें, ऐसे किसी इलाके में ना जाएं जहां पर भारत विरोधी घटना हुई हो या फिर ऐसा कुछ होने की आशंका हो।